8 जून से देश भर में धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को खोलने की तैयारी चल रही है। सरकार का साफ निर्देश है कि धार्मिक गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा, मास्क बहुत जरूरी होगा, लिहाजा धार्मिक स्थानों में साफ सफाई भी चल रही है, सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। यानी आपकी आस्था वही रहेगी लेकिन भक्ति दर्शन का ढंग जरूर बदल जाएगा। और दिल्ली के मशहूर बंगला साहिब गुरुद्वारे में आम दिनों में हजारों लोग दर्शन के लिए आते थे, लेकिन कोरोना काल में दर्शन पूरी तरह से बदल जाएंगे। बंगला साहिब गुरुद्वारे से ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में 8 तारीख से मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे खोलने की तैयारियां हैं। इन सब के बीच इस वक्त हम दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में मौजूद हैं। एक ऐसी जगह जहां वीकेंड्स में 50,000 से 1,00,000 तक लोग दर्शन करने के लिए आम दिनों में आया करते थे। अब कोरोना वायरस के समय में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने के लिहाज से क्या कुछ बदल गया है, ये आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो पांव धोने से। ये पहली दफा नहीं है, आम दिनों में भी पांव धोना और हाथ धोना इस चीज में शुमार था। उसके बाद ही कोई जो श्रद्धालु है वो देश भर के बल्कि सारे ही गुरुद्वारों में ऐसा होता है कि इसके बाद ही कोई गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है वायरस के लिहाज से। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये एक डिसइंफेक्टेंट चैम्बर टाइप बना रखा है, टनल टाइप बनाया हुआ है कि कोई भी अगर इसमें जाएगा तो एक तरीके से पूरा सैनिटाइज उसको किया जाता है। पूरा सैनिटाइज होने के बाद ही कपड़ों से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो भी श्रद्धालु है वो सैनिटाइज हो जाता है। उसके बाद से ही आने जाने की प्रक्रिया होती है। अब क्या कुछ नया है इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं। सिरसा साहब, पांव धोना हाथ धोना तो पहले के लिहाज से ही शुमार था, नया क्या है दर्शन के लिहाज से कोरोना वायरस के समय में? देखिए, एक तो हमने ये जगह जगह ये सैनिटाइजेशन के एक डिसइंफेक्शन चैम्बर बनाए हैं। ये वॉक इन है और आप इसमें से निकलेंगे तो आपको इसके साथ डिसइंफेक्ट किया जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे आगे तो हमने जगह जगह पे ये सैनिटाइजिंग स्टैंड्स लगाए हैं। यहां से जो भी संगत जाएगी, इस तरह के बहुत सारे स्टैंड जैसे हमारे 8 तारीख को अलाउ करेंगे तो ये सारी जगह पे स्टैंड्स लगेंगे ये सैनिटाइज करने के लिए। ये पैर से आप दबाएंगे तो आप सैनिटाइज अपने हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो ऐसे खुद को सैनिटाइज करने के बाद ही एंट्री वहां पर होगी। आप मंदिर भी जाएंगे तो सारे नियमों का पालन आपको वहां भी करना होगा, हाथ सैनिटाइज करने होंगे, पैर धोने होंगे, चप्पल जूते पहनकर जाने की इजाजत नहीं होगी और ऐसे तमाम तरह के नियम मंदिर में भी लागू होंगे। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है, यानी कि अगर आप पे कोई आपदा आई है और अगर आप हनुमान भक्त हैं तो कहा जाता है कि हनुमान जी अपने सारे भक्तों के सारे कष्ट ले लेते हैं। कोरोना तो एक ऐसा कष्ट है जो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिससे लोग पीड़ित हैं। लेकिन जिस मंदिर में हम खड़े हैं, ये मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर है कैनॉट प्लेस में। 8 तारीख को इस मंदिर के पट खुलेंगे। 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन में रहने के बाद अब यहाँ पे जो डेविटीज हैं, जो लोग यहाँ मानते हैं, वो अंदर आ पाएंगे और हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन पूरे जोरों शोरों से मंदिर के अंदर चालू है। यहाँ तक कि मंदिर की घंटियां जो हैं उनको भी साफ करने का काम हो चुका है, सैनिटाइज भी किया जा रहा है और सारी घंटियों को खोल के उनकी सफाई चालू है। ये सब किया जा रहा है 8 तारीख के लिए। 8 तारीख को जितने भी श्रद्धालु हैं वो अंदर आ पाएंगे। केंद्र सरकार ने मंदिरों और जितने भी रिलीजियस स्थान हैं उन सबको खोलने की अनुमति दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन की जाएगी। लेकिन अगर हनुमान जी की बात करें तो जो लाखों भक्त उनके देश भर में हैं, उनको यहाँ आके ये संतुष्टि मिलेगी कि वो आके जो संकट इस समय आ चुका है हमारे देश पे, देश के लोगों पे, उसकी विनती हनुमान जी से कर सके। सैनिटाइजेशन पूरी तरह से इस मंदिर के अंदर चालू है। मंदिर 8 तारीख को अपने द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल देगा। ईश्वर पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ।